गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे, हमारा नाइट्रोजन साइकिल चल रहा था जो मैं एक्सप्लेन की थी और आपको नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम भी बनाने के लिए बताई थी। आई होप आप लोगों ने सभी ने डायग्राम ड्रॉ कर लिए होंगे। नेक्स्ट था हमारा नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। हम स्टेप्स पढ़ने वाले थे। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रहता है, हमको पता हमने पढ़े थे कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमोस्फेयर में गैसियस फॉर्म में रहता है, और वो जो नाइट्रोजन गैस है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस होती है उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। यानी नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको फिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन नेचर इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए, इसमें नेचर के फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेस करने में मदद करते हैं। तो इसमें पहला है एटमोस्फेरिक, और दूसरा है बायोलॉजिकल। दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो पहला हम देखेंगे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज द कन्वर्शन लाइटनिंग कॉज हाई टेम्परेचर विच रिजल्ट इन अ रिच बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जब ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब लाइटनिंग होती है, बहुत बिजली कड़कती है, उस समय उसमें बहुत हीट होता है, और हीट के साथ साथ जब एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के दौरान ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है, नाइट्रोजन के साथ। किस तरीके से कंबाइन होता है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2+O2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N और ऑक्सीजन का O2, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, हीट होता है, हीट क्रिएट होता है लाइटनिंग की वजह से, तब क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या द डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ने रिएक्ट कर लिया, और रिएक्ट करने के बाद में जो बारिश होती है, बारिश के साथ वो अर्थ पे क्या होता है, गिरता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रूप में। देन धीस नाइट्रिक एसिड रिच विद द अल्कलाइज ऑफ द सॉइल मीन्स लाइमस्टोन टू टर्न इन टू द नाइट्रेट्स। यानी जब वो लैंड पे गिरता है तो नाइट्रिक एसिड होता है, डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड होता है, और गिरने के बाद में वो सॉइल में क्या होता है, मिल जाता है। मिलने के बाद में वो लाइमस्टोन के रूप में सॉइल में मिलता है, और वो काइमेट टर्न होता है नाइट्रेट्स, काइमेट टर्न होता है नाइट्रेट्स। इस फॉर्मूला के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि नाइट्रेट्स में कैसे टर्न होता है, देखेंगे हम। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2, जिससे वो कंबाइन होता है, क्या फॉर्म हो गया पे 2NO2, ठीक है। उसके बाद 4NO2+2H2OH2 मीन्स वाटर, वाटर के साथ कंबाइन होता है, फिर ऑक्सीजन कंबाइन होता है 4NHO3, फिर ये नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट है, और नाइट्रेट में चेंज होने के बाद में हमारे सॉइल में वो क्या हो जाता है,
सॉइल में रहता है और फिर उसी सॉइल को नाइट्रेट्स को जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इट इज द कन्वर्शन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने देखे कि एटमोस्फेयर के थ्रू कैसे नाइट्रेट क्रिएट होता है, और फिर यहाँ पे देखेंगे हम बायोलॉजिकल, बायो मीन्स जीव, एनिमल यानी एक ऐसा जीव जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आर फाउंड इन द सॉइल, और वो सॉइल में ही पाया जाता है। आप रूट नोड्यूल्स देख सकते हो, आपके फिगर नंबर 1.12 में दिया हुआ है लेग्यूमिनियस प्लांट का। देन दे आर आल्सो फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट लाइक द पी एंड बीन्स। पी और बीन के प्लांट को, के रूट को लेग्यूमिनियस रूट कहा जाता है। उसमें छोटी छोटी गांठें होती है और उस गांठ के अंदर वो बैक्टीरिया लिविंग करता है और वो वहीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दिस बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमोस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रेट, यानी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। देन नेक्स्ट है नाइट्रोजन असिमिलेशन। सेकेंड देखिए नाइट्रोजन असिमिलेशन। प्लांट एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल, यानी जो प्लांट है यानी नाइट्रोजन क्या, यानी प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया है, अब उस नाइट्रेट को सॉइल में से प्लांट क्या करता है, गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इनटू द प्लांट प्रोटीन, और वो प्लांट प्रोटीन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है उस नाइट्रेट को। द नाइट्रोजन पास फ्रॉम प्लांट टू हर्बिवोरस दैट ईट देम, और वो जो अभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो वहां पर नाइट्रोजन प्रोटीन वहां हो जाता है, बन जाता है, तो वहां पर क्या करता है वो कि जो हर्बिवोरस एनिमल है वो उसको ईटिंग करता है, मींस खाता है। खाने के बाद में देन द कार्निवोरस आर ईट हर्बिवोरस, अब वो जो प्रोटीन है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, हर्बिवोरस में, फिर हर्बिवोरस को कार्निवोरस ने खाया तो कार्निवोरस में वो जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर हुआ। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन, यानी नाइट्रेट का प्रोटीन में चेंज होना, प्रोटीन ट्रांसफर होना एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन, थर्ड है हमारा अमोनिफिकेशन। When plant and animal dead, their remains are the converted into ammonia and ammonium compound by the decay bacteria and fungi. हम सभी को पता है कि जब कोई एनिमल डेड होता है तो डेड होने के बाद में उसमें डिके प्रोसेस होता है, मींस डिकम्पोजिशन जो उसमें प्रोसेस शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें प्रेजेंट जो भी कंपाउंड था नाइट्रोजन का, जो भी कंपाउंड था वो क्या हो जाता है, सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द प्रोटीन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, यानी वो जो एनिमल है उसमें प्रोटीन के रूप में जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है नाइट्रोजन, वो प्रोटीन अमोनिया में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। मैंने आपको बताई थी कि जब कोई चीज डिकम्पोज होता है तो उसमें से अमोनिया फॉर्म होता है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है नाइट्रिफिकेशन।
taken up by the plant and rest are converted into nitrate by nitrifying bacteria present in the soil. अब कुछ nitrifying bacteria भी होते हैं, कहाँ पर soil में, वो क्या करते हैं, इस compound the process of conversion of ammonia into nitrate is called the nitrification. जो अमोनिया डेड हो गया एनिमल, उसमें जो अमोनिया था वो सॉइल में डिजॉल्व हो गया. अब सॉइल में डिजॉल्व होने के बाद में उस अमोनिया को नाइट्रेट में फिर से चेंज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं. ये जो प्रोसेस है अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज होना, इसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन. नेक्स्ट है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, फिफ्थ. नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन. सम ऑफ दिस नाइट्रेट, अब देखो सॉइल में नाइट्रेट है, उस नाइट्रेट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट. द रेस्ट आर कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया. अब उस सॉइल में जो भी नाइट्रोजन गैस है ना, उसको वो काहे कन्वर्ट कर, सॉरी जो नाइट्रेट है उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट और एटमॉस्फेयर में गैसियस के रूप में उसको फिर से दे देता है जो प्लांट होता है अपने प्रोसेस के थ्रू. और बाद में जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है वो उस गैसियस नाइट्रोजन को क्या करता है, गेन करता है. और इसी ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल. अब हम सभी को पता है कि हमको कुछ फूड एनिमल से मिलता है, लाइक मीट, फिश, मिल्क, बटर, घी, है ना, जो भी है ये हमको एनिमल से मिलता है. लाइक प्लांट एनिमल आल्सो ग्रूड एज विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अदर प्रोडक्ट्स, द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड द केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री. यानी एनिमल को किसी हमारे फायदे के लिए पालना, है ना, उसको पालना, खिलाना, तो ये जो प्रोसेस है उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. जिससे जैसे उसके जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, है ना, काउ को किस लिए पाला जाता है कि वो दूध दे सके, इन्हें हमको मिल्क मिल सके घर के लिए या बेचने के लिए, कोई अपने प्रोफेशन के लिए भी उसको पालते हैं. तो जो डोमेस्टिक एनिमल है उससे हमको बहुत सारे फायदे हैं. जैसे दूसरे भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिससे अलग अलग काम कराए जाते हैं या उससे बेनिफिट जो भी मिलता है. ये जो हमारा पर्पस है एनिमल को पालने का, इसी ये जो मेथड है उसी को क्या बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री. एंड द काइंड ऑफ एनिमल दैट ब्रूड एंड विद फूड आर, पहला है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल, यानी मांस और अंडे देने वाले एनिमल, सच एज गॉट पोल्ट्री एनिमल्स मीन्स चिकन, डॉग एंड टर्की, देन फिश, शीप एंड पिग. द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश फॉर द फूड इज नोन एज द पीसी कल्चर. यानी जो मछली पालन होता है जिसको मछली पालन कहा जाता है, यानी एक तालाब में मछलियों के बच्चों को छोड़ा जाता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उसको बेच दिया जाता है, तो ये जो मछली पालन प्रोसेस है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है. देन नेक्स्ट है मिल्क. मिल्क एनिमल्स मीन्स मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, यानी दूध देने वाले एनिमल्स, सच एज द काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल. मिल्क इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, कर्ड एंड दही, है ना, ये घी बनाने के लिए, दही बनाने के लिए. और मिल्क से जो प्रोडक्ट्स होते हैं योगर्ट बनाते हैं ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिल्क से बनाए जाते हैं. और इसके लिए जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनको पाला जाता है. देन नेक्स्ट है
बिसाइड दिस हनी बी ब्रूड एज विद द हनी लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी इज कॉल्ड द एपिकल्चर। यानी जो मधुमक्खी पालन जिसको बोलते हैं, शहद के लिए मधुमक्खी को पाला जाता है और उस फील्ड को क्या कहा जाता है, एपिकल्चर। याद रखना पिसिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एपिकल्चर। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। तो आज आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। definitions and draw आपको डेफिनेशन फाइंड आउट करना है इस लेसन के, आपके बुक के मदद से। इस लेसन में जितने भी डेफिनेशंस है वो और ये कॉन्सेप्ट मैप आपको आपके बुक में ड्रॉ करना है, नोटबुक में ड्रॉ करना है।